और मेरे गांव के गोवर्धन पूजा गोवर्धन जी का मंदिर है, वहां भी अगर मैं कार्यक्रम करूंगा तो यहां तमाम लोग आएंगे और मुझे उसकी खुशी होगी। कुछ अगलाइयों में कहूंगा, सूर्यवान जी आपके प्रस्ताव और आपके प्रधान जी के प्रस्ताव ने इस पूरे सदन को झकझोर के रख दिया है। ब्लॉक मुख्यालय जिला मुख्यालय ले जाकर मेरे विकास कार्यों से संतुष्ट न हो तो इस्तीफा दे दें, मुझे शहर स्वीकार है। यह अदालत आपकी है, फैसला आपको करना है। जी, जी बतौर ग्राम प्रधान आज आपने ये किस तरीके का ऐलान किया है? जी अगर जनता को हमारे कार्य से संतुष्ट नहीं है तो हम इस्तीफा लेना चाह रहे हैं। अरे शुद्ध होकर या गांव के कुछ नहीं, गांव को लोगों को लेकर कोई कोई बात सुन करके मतलब ऐसा हम लोग तब सोचे इस्तीफा ही ले ले अगर जनता को मंजूर है। मैं सूर्यभान सिंह ग्राम प्रधान रूबी सिंह का मैं पति हूँ। जी आज किस तरीके का कार्यक्रम है और अभी आपने एक ऐलान किया, क्या था वो मामला पूरा? ये प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जा रहा है और इसमें हमारे गांव के ही लोग बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको मैंने इस मंच पे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानित करने का काम किया है और इस मंच से इस ग्राम पंचायत के लोगों को मैं उस व्यवस्था को तोड़ना चाहता हूं कि कोई भी जनता बापू का जो सपना था वह सपना साकार हो कि जनता को अधिकार जरूर आना चाहिए कि समय से पहले उसे जब चाहे तब बहुमत के हिसाब से हटा दे। तो क्या आपको लगता है कि गांव की जनता जो है वो आपसे शुद्ध है? नहीं शुद्ध है चाहे नहीं है उसकी उसके विषय पे नहीं चाहता हूँ। हो सकता है कि मेरे कार्यकाल से 3 साल का कार्यकाल हुआ और इस कार्यकाल से लोग नाराज हों तो कुछ लोग अगर रुष हैं तो भाई इसको स्वीकार करा ले। कमेटी भी बनाई थी अपने गांव? जी हाँ कमेटी चल रही है, निगरानी कमेटी जी चल रही है। तो उन्हीं लोगों के हाथ में जी उन्हीं के कमेटी के और जो बड़े बुजुर्ग गार्जियन इस मंच पे आज मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में बैठे हैं मैं उनके नेतृत्व में ये इस्तीफा प्रधान जी ने दिया है और दी है और इसे उन लोगों को निर्णय लेना है कि क्या करना है।